पटेल विजय नारायण वर्मा, मैं जन अधिकार पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। 9 पार्टियों का भी हमारे साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा बन चुका है और 403 सीटों पर भागीदारी संकल्प मोर्चा का बनारस मंडल सचिव और जनपद गाजीपुर का प्रभारी भी हूँ। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं 16 हिंदी। दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करूंगा जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जी हमारे बीच हैं और जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ने वाली है, तो इनसे कुछ जानेंगे। सर, पटेल विजय नारायण वर्मा, मैं जन अधिकार पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और आज यहाँ गाजीपुर की धरती पर 5 सितंबर को हमारे परम श्रद्धे जगदेव बाबू कुशवाहा का आज परिनिर्वाण दिवस है, शहादत दिवस है और इस मौके पर हमें यहाँ बुलाया गया है मुख्य अतिथि के रूप में कि जगदेव बाबू कुशवाहा के जो काम है वह लोगों को बताएं। और हमारी पूरी पार्टी जगदेव बाबू कुशवाहा की विचारधारा पर चल रही है। जगदेव बाबू कुशवाहा की जो लड़ाई रुक गई, जिसे सामंतशाहियों ने भरी सभा में उन्हें गोली मार करके रोक दिया था, आज उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कर रहे हैं। तो सर, ये जो जन अधिकार पार्टी है ये अकेले चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में कि और भी भागीदारी है? 9 पार्टियों का भी हमारे साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा बन चुका है और 403 सीटों पर भागीदारी संकल्प मोर्चा चुनाव लड़ेगी। तो अगर मतलब कोई बड़ी पार्टी भी है इसके साथ, जन अधिकार पार्टी के साथ, कि मतलब हमारी जो भागीदारी संकल्प मोर्चा की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ जो भी पार्टी हमसे समझौता करना चाहेगी हम उससे समझौता के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त हमारी वही है कि हमारी जो भागीदारी संकल्प मोर्चा की जो विचारधारा है, जो लड़ाई है, उस लड़ाई को उन्हें लेकर के चलना होगा। अगर वो उस लड़ाई को नहीं लेकर के चलते हैं तो कभी हमारा किसी भी बड़े दल से समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अपनी लड़ाई को नहीं छोड़ सकते हैं। जो इस देश के शोषित और वंचित और पिछड़ों को 74 सालों से जो उपेक्षित रहे हैं, वह जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी हम 100% आरक्षण की बात करते हैं और जातियों के हिसाब से आरक्षण इसलिए देना चाहते हैं कि भारत में अगर व्यक्ति की पहचान होती है तो उसकी जाति से होती है, अगर जाति से व्यक्ति की पहचान होती है तो फिर आरक्षण वर्ग के नाम पर क्यों, वह भी जातियों के नाम पर होना चाहिए। चूँकि आरक्षण के नाम पर जैसे पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलता है तो उसका खामियाजा यह होता है कि इनकी आबादी 54% अनरिकॉर्डेड है, जो 31 की जनगणना है उसके हिसाब से सरकार अब तक जनगणना नहीं करा पाई है। अगर करंट में जनगणना अगर होती है तो 66% से एबव हमारी पिछड़ों की आबादी होगी। अगर पिछड़ों की आबादी 66% है और 27% आप आरक्षण देते हैं तो एक कमरे की कल्पना कीजिए कि एक कमरे में 27 कुर्सियाँ लगी हैं, बाहर 300 लोगों की अगर भीड़ है तो जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो उस कमरे में वही व्यक्ति जा सकता है कि जो मजबूत होगा, जो कमज़ोर है उनको धक्का देकर के बाहर कर देते हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को जन अधिकार पार्टी बनाना पड़ा और उन्होंने कहा कि हम सभी जातियों को उनके जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी और भागीदारी देंगे। केवल नौकरी नहीं, शिक्षा, व्यापार, जमीन, जंगल, हर चीज़ में उनको हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी चाहिए, तभी भारत के संविधान की जो मनोकामना है वह पूर्ण हो सकती है। भारत का संविधान समानता पर बना हुआ है, गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए, लेकिन 74 साल बीत गए हैं अब भी इस देश में गैर बराबरी समाप्त नहीं हुई है। इसी लड़ाई को हमारे परम श्रद्धे जगदेव बाबू जी लड़ रहे थे, आज उसी लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 90% हिस्सेदारी मांगते थे वो, हम 100% की बात करते हैं, हम तो 100% की बात करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है वो हिस्सा ले ले, अगर किसी का 10% आबादी है तो 10% ले ले, अगर हमारी 90% है पिछड़ों और दलितों और शोषितों वंचितों को तो 90% ले ले। अभी जैसे सपा लड़ रही है यहाँ पे जो, तो उनका मैनिफेस्टो एक आया है कि 10 लाख नौकरियाँ और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। देखिए, सपा इसके पहले 5 साल यहाँ सरकार चलाई है, आज तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि सपा बेहतर है। सपा कैसे बेहतर है? सपा की अगर सरकार अच्छी चली होती तो सपा 48 सीट नहीं पाती 403 में। यह इस बात का प्रमाण है कि जनता सरकार से, सपा सरकार से ऊब चुकी थी, इसलिए 48 सीटें दी हैं। वह विकल्प के तलाश में थी, कोई विकल्प नहीं था, भाजपा उसको अच्छी विकल्प लगी, जनता भाजपा के साथ चली गई। आज भागीदारी संकल्प मोर्चा जनता के बीच में एक अच्छे विकल्प के रूप में उभर करके आई है। आज जनता का रुझान जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ बढ़ रहा है। पिछड़ों की आबादी अगर 64% है, मुस्लिमों को जोड़ दिया जाए तो 80% के लगभग हो जाते हैं, तो इस आधार पे अगर हम देखें तो वोट हमारे पास कहाँ कम है। हम तो अपने
जाति गणना के हिसाब से 65-70% वोट हमारा हो रहा है और 30% पे सरकार बनती है, तो 30% अगर हम वोट ले लेंगे तो उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा की ही सरकार बनेगी। जो जातिगत आधार पे उत्तर प्रदेश का विकास होगा? देखिए, जातिगत आधार पे उत्तर प्रदेश के विकास की बात नहीं है, जनता की अगर विकास की बात होती है, जनता की पहचान अगर जाति के नाम पर है तो फिर आरक्षण की व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था, अगर संविधान हमारा समानता की बात करता है, आर्टिकल 14 को उठा करके देख लीजिए, आर्टिकल 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति और लिंग और धर्म के अनुसार विभेद नहीं किया जा सकता है। फिर आज जाति के हिसाब से विभेद क्यों किया जाता है? फिर जाति की क्यों नहीं बात होगी? इस बात को जगदेव बाबू कुशवाहा ने बिहार की विधानसभा में कहा था, सदन में कहा था कि हम हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हैं और जिसकी जितनी संख्या है उतनी संख्या मिलनी चाहिए। जिस पर देखिए मिश्रा जी का नाम नहीं, जनसंघ के विधायक मिश्रा जी थे, उन्होंने कहा कि अगर हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हैं तो आप मद्रास चले जाइए। तो जगदेव बाबू ने जवाब दिया था कि मैं मद्रास नहीं जाऊंगा, इस बिहार को मद्रास बनाऊंगा, सबको हिस्सेदारी और भागी है। बिहार में जो राजनीति हो रही है वो तो उनके जगदेव प्रसाद के ही ऊपर, मतलब उनके हिसाब से ही चल रही है, क्योंकि आज तक कोई दूसरा, मतलब पिछड़ा जाति का ही कोई मुख्यमंत्री बना है और यही पार्टियां सक्रिय है वहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है, जगदेव बाबू के आंदोलन से पहले जनेश्वर मिश्र तमाम लोग रहे हैं, लेकिन जगदेव बाबू कुशवाहा ने बिहार की राजनीति में एक उथल पुथल मचाया। 1.5 साल के अंदर 7 बार सरकार गिराना है और बनाना, यह जगदेव बाबू कुशवाहा जी के अंदर कला थी और उन्होंने अपनी बात को सरकार को घुटने के बल कर दिया मानने के लिए। आज बीपी मंडल, अगर पिछड़ी जाति कहती है कि बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों की अगर बात करती है तो वह जगदेव बाबू कुशवाहा की देन है कि जगदेव बाबू कुशवाहा ने अपनी पार्टी से उन्हें वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया था और उसके बाद उनको बीपी मंडल आयोग का, उनके नेतृत्व में राष्ट्रपति के सिफारिश पर एक आयोग बनी जिसे बीपी मंडल आयोग कहा गया और उसकी सिफारिशों को विश्वनाथ प्रसाद सिंह, बीपी सिंह ने लागू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज के बाद आज पिछड़ों को 27% आरक्षण मिल रहा है। सर, ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं अब ये बीजेपी से निकल के आए हैं, मतलब अगर फिर बीजेपी अगर बुलाती है कि आप जन अधिकार पार्टी और जो भी 10 जातियों का संगठन है सब लेकर आ जाइए बीजेपी में, तो फिर क्या होगा? देखिए, यह तो शीर्ष नेतृत्व हमारा बता सकता है और हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा उसके लिए हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर हम बीजेपी में जाएंगे तो मैंने बता दिया है पहले कि हम उसी शर्त पर जा सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के सिद्धांतों और विचारों को मानने के लिए हम तैयार हैं तो बाबू सिंह कुशवाहा बीजेपी के भी साथ जा सकते हैं। हमारी बातों को जो भी पार्टी मानेगी हम उसी के साथ समझौता करेंगे, अन्यथा भागीदारी संकल्प मोर्चा स्वतंत्र रूप से 403 विधानसभा में चुनाव लड़ाएगी और सभी राजनीतिक दलों को धूल चटाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के संदर्भ में क्या? देखिए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री का क्या मतलब है? सबको जो है कि तमाम मीडिया, आप लोगों ने ही दिखाया कि उप मुख्यमंत्री पंडित जी और मुख्यमंत्री बाबू साहब योगी जी दोनों लोग सोफा पर बैठे हुए, उनको बीच में स्टूल मिला हुआ है, तो अब उनकी क्या हैसियत है इस पर मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वह हमारे समाज के हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वह अगर समाज को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो अब समाज गुमराह होने वाला नहीं है। एक बार समाज गुमराह हो चुका है, समाज बार बार गुमराह नहीं होगा। सर, उत्तर प्रदेश में जनता जो है कब तक जातिगत स्थिति से लड़ती रहेगी? क्या जातिगत स्थिति से कब लड़ेगी? सब जगह, हर जगह जातिवादी तो चल रहा है, फिर ये कब खत्म होगा? भारत में संविधान को अगर अक्षर से लागू कर दिया जाए तो जातिवाद समाप्त हो जाएगी, चूंकि यह देश का दुर्भाग्य था कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों की गुलामी के बाद अगर हमें स्वतंत्रता मिली तो भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता मिली। जैसे हर आदमी को अगर एक वोट की वैल्यू है कि चाहे वो पंडित जी हो, बाबू साहब हो, मुसहर हो, भंगी हो, नाऊ हो, ढोबी हो, ढरकार हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, अगर सबके वोट की वैल्यू एक है, भारत जो विश्व बैंक से तमाम देशों से जो कर्जा लेता है उस कर्जे की गिनती अगर पर मुंडी होती है तो भारत की संपत्ति की गिनती पर मुंडी क्यों नहीं होती है? जब यह देश आज़ाद हुआ अगर उसी समय धन धरती अगर बट गया होता, ज़मीनें अगर बट गई होती, 300-300 बीघा अगर हर परिवार को ज़मीनें मिल गई होती तो निश्चित तौर पे इस देश में ना कोई भंगी होता, ना कोई लोहार होता, ना कोई कुहार होता, ना कोई होता, ना कोई पंडित जी होता, ना कोई बाबू साहब होता। यानी जाति व्यवस्था को कायम रखना इन मनवादी लोगों की जो सोच रही है, साम्राज्यवादियों की जो सोच रही है, उस सोच को जड़ से उखाड़ करके फेंकने का जो बीड़ा जगदेव बाबू कुशवाहा ने उठाया है उसको माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले आगे बढ़ाने का काम। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। जिंदाबाद। आप बताइए कुछ।
मैं डॉक्टर रामलोचन राम, बनारस मंडल सचिव और जनपद गाजीपुर का प्रभारी भी हूँ। क्या वाकई 2022 में कुछ बदलाव दिखाई देगा? 2022 में पूर्ण रूप से बदलाव आपको दिखाई देगा, समय आने का इंतजार करिए। लेकिन हम इसके साथ साथ ये चाहते हैं कि मीडिया निष्पक्ष और स्वतंत्र भाव से हर व्यक्तियों की बात वो जनता तक पहुँचाए, हर राजनीतिक पार्टियों की। और जहाँ तक सत्ता की बात है तो हमारा जो अलायंस है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, वो इतना काफ़ी सबल हो चुका है कि अन्य पार्टियाँ इससे दहशत खा रही हैं और लोगों के बीच बाबू सिंह कुशवाहा का जो संदेश जा रहा है उससे जनता के बीच एक प्रभाव पड़ा है और आज पूरे प्रदेश की जनता हमारी पार्टी के साथ खड़ी है। इस बिना पे हम कहते हैं कि हमारी सत्ता बनेगी 22 में।